नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम कॉटन का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें हम तो कॉटन के प्राइजेस में बेतहाशा अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो पिछले एक साल में कॉटन में 33% की तेजी, पिछले 3 महीने में हमने करीबन 10% की तेजी मार्केट में बनते हुए देखी। और खास करके पिछले 1 महीने या 1 हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा प्राइजेस 5% से ज्यादा तेजी आ चुका है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते तक तो मार्केट काफी लो पे बना हुआ था, एक रेंज में बना हुआ था, करीबन 25,000 के बीच में था। बट अचानक से हमने देखा कि एक बड़ी मोमेंटम स्टार्ट हो गई। टेक्निकल मूविंग एवरेज वाइज अगर हम बात भी करें तो प्राइजेस इस वक्त कंफर्टेबली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 5, 10, 20, 50 सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि मार्केट स्ट्रांग हैंड्स में है, स्ट्रांगली पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर लाइक RSI पॉजिटिव जोन में, CCI थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर दिखा रहा है, ADX 20 है जो आने वाले टाइम पे और वॉलिटिलिटी बढ़ाता है ये सिग्नल देता है। ओपन इंटरेस्ट 2000 लॉट का है, ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी कंटिन्यू बनी हुई है, जो संकेत देता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है और कंटिन्यू जो फंडामेंटल्स है वो भी पॉजिटिव है। पाइवट पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्राइजेस अगर 27,000 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं 28,400 का तो इमीडिएट लेवल, बट ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस एक नया लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी जा सकता है, जो 30,000-31,000 का भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल साइड। अगर फंडामेंटल साइड की बात करें तो ऑलरेडी इंटरनेशनल में हमने कॉटन के प्राइजेस को 9 साल के हाई पे जाते हुए देखा, जिस ढंग से एक रोबस्ट डिमांड बनी हुई है और टेक्निकल लेवल्स पे भी बाइंग देखी, क्योंकि स्पेकुलेटर्स में हमने देखा था कि CFTC के अंदर भी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो निकलते जा रही है। ये तेजी आई क्यों? क्योंकि MCX पे भी हमने देखा कि डोमेस्टिक फैक्टर को लेकर ये तेजी बनी हुई थी। जैसे नॉर्थ में हमने देखा पिंक बॉल बॉम्ब का जो कंसर्न्स है बठिंडा और बाकी भी स्टेट में, तो उसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप रहेगा। सेकेंडली USDA की जो वीकली एक्सपोर्ट सेल्स रिपोर्ट है वहां पे भी हमने देखा कि करीबन 21% का इजाफा हुआ है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि चाइना कंटिन्यू बाइंग करता हुआ चल रहा। तो एक तरफ क्रॉप डिटोरेशन है, दूसरी तरफ सप्लाई कंसर्न है, और तीसरी तरफ कोविड के बाद की डिमांड जो है वो रिवाइव होते हुए जा रही है। इनफैक्ट अगर सर्टिफाइड कॉटन स्टॉक की बात करें यहाँ पे हमने करीबन अच्छा खासा क्वांटिटी में ड्रॉप देखा है US में, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। हैवी रेन्स हमने देखा था कि US में भी है और महाराष्ट्र, MP, गुजरात, यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते भी डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा है वेदर कंडीशन का सपोर्ट मिल रहा है। खास करके अगर हम डिमांड की बात करें तो चाइना हो गया, टर्की हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, यहाँ से भी डिमांड कंटिन्यू है। टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स ने भी जताया है कि $1 के ऊपर अगर प्राइजेस निकल जाता है तो 1.15 जो हमारे टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाएगा। टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो आप ये देखिए वीकली चार्ट है कॉटन MCX का, यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, और पहले भी हमने देखा 22,500 से 23,000 के करीब का एक हर्डल था। जैसे ही मार्केट ने अप्रैल मिड में या जून में इसको ब्रेकआउट दिया तो हमारी उम्मीद थी मार्केट ऊपर जाएगा, फिर पुलबैक करेगा और फिर तेजी करेगा। तो हमने देखा अब ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, प्राइजेस में एक पुलबैक रहेगा जो 28,400 का लेवल दिखाएगा पहला, यहाँ से एक पुलबैक दे सकता है, बट ओवरऑल 30,000 से 32,000 तक का भी लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए आइस कॉटन के भी भाव में ऐसा ही तेजी, यहाँ पे भी हमने एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस में 1.13 तक का टारगेट देखने मिल जाए। सीजनैलिटी में अगर देखें तो थोड़ी गिरावट है क्योंकि अराइवल प्रेशर रहता है, बट डिमांड इस वक्त कंटिन्यू मेंटेन है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू तेजी बनी हुई रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बट ओवरऑल कमोडिटी की सुपर साइकिल के अंदर कॉटन का काफी बड़ा पार्टिसिपेशन रहेगा, तो कॉटन में जरूर बाय करके चलिए, ट्रेड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।